दोस्तों आज हम महिंद्रा यूवो टेक प्लस 405 DI और महिंद्रा 275 DI SP प्लस का कंपैरिजन करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में बन रहे हैं और ये वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों यह वीडियो में हम इसके फीचर्स, प्राइस, माइलेज, परफॉर्मेंस में क्या अंतर हैं, क्या डिफरेंसेस हैं 275 DI SP प्लस और महिंद्रा यूवो टेक प्लस 405 DI में क्या अंतर हैं, चलिए जानते हैं। तो सामने से फ्रंट कुछ इस प्रकार से है महिंद्रा यूवो टेक प्लस 405 DI का और 275 DI SP प्लस का। बम्पर जो है सामने मिल जाता है इसमें भी और इसमें भी। इसमें बड़ा मोटा सा वजनदार जो है बम्पर होता है और इसका जो है छोटा सा बम्पर होता है ये वाला, मतलब इसका वेट जो है कम होता है बम्पर का। और सामने दोनों एक जैसा ही है। इसमें भी ग्रिल मिल जाता है जिससे आसानी से जो हवा जो है पास हो सके और इंजन जो है ज़्यादा हीट ना हो। इसमें भी हाइलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं और यहाँ पर महिंद्रा का लोगो। और यहाँ पर आ जाएं तो इसमें जो है ज़्यादा जो है बड़ा सा कवर करके बनाया गया है इसको, इसके ग्रिल को, ताकि इसे भी आसानी से जो हवा पास हो जाए, हीट ना हो, इंजन जो है ज़्यादा हीट ना हो। उस हिसाब से इसमें भी दोस्तों नॉर्मल सा दो जो है हाइलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं। LED बिल्कुल नहीं है, ना 405 DI में है और ना ही 275 DI SP प्लस में है। अब हम इसका फ्यूल टैंक की बात करते हैं। तो फ्यूल टैंक जो है तो 405 DI में 60 लीटर का है और वहीं 275 DI SP प्लस में 50 लीटर का है, मतलब 10 लीटर का अंतर है। कंपैरिजन करें तो इसमें 50 लीटर और इसमें जो है 60 लीटर। और दोनों दोस्त साइलेंसर तो है बराबर हैं, सेम हैं, कोई अंतर नहीं है। इसमें भी जालीदार है साइलेंसर और ठीक वैसा ही इसमें भी जालीदार साइलेंसर मिल जाता है। इसका कलर थोड़ा अंतर है, देख सकते हैं दोस्तों ये डिजाइनिंग में, इसमें जो है कलर की डिजाइन में अंतर है। इसमें जो है काफ़ी स्टाइलिश स्टीकर लगे हुए हैं और ये जो है मिल जाते हैं जिससे जो है और भी आकर्षक, अट्रैक्टिव लगता है। और इसमें जो है वाइट, येलो और रेड कलर की कॉम्बिनेशन के साथ मिल जाती है, ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। ये भी 6 ईयर वारंटी है और ये भी दोस्तों 6 ईयर वारंटी है, मतलब 275 DI SP प्लस 6 ईयर वारंटी के साथ ऑफर होती है। साथ ही दोस्तों इसमें जा जाएँ तो ये भी जो है 6 ईयर वारंटी के साथ ऑफर होती है। और टाइप है 405 DI और 275 DI SP प्लस। अब दोस्तों हम इसकी इंजन की बात करेंगे। तो इंजन में जो है 405 DI में जो है इंजन जो है 3 सिलेंडर 39 HP 2000 इंजन रेटेड RPM है और वाटर कूलेट इंजन है दोस्तों। एयर फिल्टर जो है ड्राई टाइप का मिल जाता है। फुल्ली कंस्टेंट में सिंगल क्लच होता है। ऑयल इमर्सेड इसमें जो है ब्रेक मिल जाते हैं, ऑयल इमर्सेड ब्रेक है इसका। ये अंतर है दोस्तों मोटा मोटा। और इसमें आ जाते हैं 275 DI SP प्लस में। तो इसका इंजन जो है दोस्तों 3 सिलेंडर 37 HP और 2048 CC का इंजन है जो 2100 RPM में पावर जनरेट करता है। मतलब दोस्तों इसमें जो है ये 37 HP में है, SP प्लस जो है 37 HP में हो जाता है और ये वाला जो है 2 HP ज़्यादा बढ़ गया, 39 HP में हो जाता है। ये दोनों में HP का अंतर है, नहीं तो ये भी 3 सिलेंडर है और ये भी 3 सिलेंडर है, दोनों में सिलेंडर में कोई कमी नहीं है। ये हो गया पंप का, हो गया पूरा, मतलब बहुत ही स्टाइलिश के साथ साथ पावरफुल बनाया गया है दोस्तों इसके इंजन को और इसके भी इंजन को। इसमें भी आ जाते हैं, चाहते हैं दोस्तों इसमें बॉस का पंप लगा है, उसमें भी लगा है। ये एयर फिल्टर जो है दोस्तों इसके बात कर लेते हैं। तो एयर फिल्टर इसमें भी दोस्तों ड्राई टाइप एयर फिल्टर मिल जाता है और इसमें जो है ड्राई टाइप एयर फिल्टर मिल जाता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये देख सकते हैं बहुत ही पावरफुल इंजन जो है इसको बनाया गया है, चाहे ये वाला हो फिर चाहे वो वाला इंजन हो। दोनों का बनाने का उद्देश्य ये है किसानों की जो भी ज़रूरत है, जैसे ट्रॉली खींचना, थ्रेसर में और कल्टीवेटर, मतलब अच्छे से कार्य कर सके। तो इसमें जो है जो दोस्तों इंडिकेटर और पार्किंग लाइट मिलता है और उसमें भी इंडिकेटर पार्किंग लाइट है दोस्तों। इसका टायर नंबर की बात कर लेते हैं तो 13/6/28 का टायर मिल जाता है और रियर में, और वहीं और दोस्तों वहीं फ्रंट में टायर नंबर जो है 16 इंच के टायर मिल जाते हैं दोस्तों। बैटरी जो है यहाँ पर रखा गया, मतलब दोस्तों बैटरी के लिए यहाँ पर जगह दिया गया है जिससे जो है और भी अट्रैक्टिव लुक में हो जाता है, काफ़ी चौड़ा भी हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आ जाएं तो इसमें जो है PTO का गियर दिया है लो पे चलने के लिए, हाई पे चलने के लिए। मेन गियर जो है यहाँ पर दिया है दोस्तों। इसमें जो है 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स गियर जो है दोस्तों देखने को मिल जाता है 275 DI SP प्लस में। चलिए दोस्तों ऊपर चढ़कर देखते हैं थोड़ा।
ये स्टेयरिंग जो है दोस्तों काफ़ी बड़ा सा स्टेयरिंग दे दिया है, ट्रक टाइप का स्टेयरिंग जो है दोस्तों देखने को मिल जाता है, साथ ही महिंद्रा का लोगो भी मिल जाता है दोस्तों यहीं पर। और कितना हवर चल चुका है, बाकी सारी इंडिकेशन जो है दोस्तों डिजिटल में यहाँ पर जो है शो करती है, और एनालॉग में दोस्तों स्पीडोमीटर बताता है। ये वाला एक्सेलेरेटर मिल जाता है दोस्तों, पैर वाला, हाथ वाला, और इसमें ब्रेक जो है जैसा हमने बताया ये ड्राई टाइप ब्रेक मिलता है, और ये कल्टीवेटर के लिए ये जो है हुक मिल जाते हैं, इसको आसानी से चला सकें। बहुत ही कंफर्टेबल सीट है दोस्तों, ये इसका सीट जो है बहुत ही कंफर्टेबल है। और दोस्तों यहाँ पर आ जाएं तो इसमें भी दोस्तों इंडिकेटर, पार्किंग लाइट मिल जाता है, ये शीशा मिल जाता है इसमें भी, और जो है उसमें भी शीशा मिल जाता है जो पीछे देखने के लिए। एक्सीलेटर दोस्तों ये पैर वाला हो गया, ये हाथ वाला हो गया, यहाँ से जो है ये की इंसर्ट कर सकते हैं। आ जाते हैं दोस्तों, ये जो है टूल बॉक्स जो है इसमें भी यहाँ मिल जाता है, उसमें भी जो है दोस्तों यहीं पर मिल जाता है, ये है वो उसका टूल बॉक्स जो है वहीं पर मिल जाता है। आ जाते हैं तो इसे आसानी से इसको पकड़िए, ऐसे यहाँ पर पैर रख के ऐसे चढ़ जाइए ऊपर। इसमें जो है दोस्तों ये वाला लो पे चलने के लिए, हाई पे चलने के लिए, पीटीओ का गियर जो है यहीं पर मिल जाता है दोस्तों, या मेन गियर जो है यहाँ पर मिल जाता है। इसमें जो है 12 जो है फॉरवर्ड गियर और 3 जो है 3 जो है रिवर्स गियर देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसमें सिंगल क्लच, ड्राई डबल क्लच दोनों आता है, ये सिंगल क्लच में है। इसका बहुत ही आरामदायक दोस्तों, बहुत ही कम्फर्टेबल सीट है इसका। ये सीट जो है ये कल्टीवेटर के लिए सॉकेट दिए हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर आ जाएं तो ये पानी वाटर होल्डर मिल जाता है, रिफ्लेक्टर जो है पीछे के लिए मिल जाता है। यहाँ से जो है सीट की ऊंचाई अपने अपने कंफर्टेबल के हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम जो है की इंसर्ट करने के बाद ये कर दिए की ऑन, तो कुछ इस प्रकार से मीटर जो है हमारे सामने आता है, बैटरी का हो गया, पी का हो गया, इंडिकेटर का हो गया, ये जो सारे इंडिकेशन जो है आपको डिजिटल में देखने को मिल जाता है, हैंड ब्रेक हो गया, पूरा जानकारी दोस्तों आपको डिजिटल में मिलती है। और साथ ही दोस्तों कितना हावर चल चुका है, फ्यूल टैंक कितना है, ये जो है आपको जो है डिजिटल में मिलती है। और स्पीडोमीटर जो है दोस्तों एनालॉग में मिल जाती है, पीटीओ जो है इसमें 32.9, मतलब 32.9 एचपी का जो है पीटीओ है इसका, और 6 स्प्लाइन 540 आरपीएम में पावर जनरेट करता है, 3 पॉइंट लिंकेज, 1700 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। यहाँ भी दोस्तों बड़ा सा जो है ये लाइटिंग की गई है 275 एसपी प्लस में, इसमें जो है 405 DI में दोस्तों ये छोटा सा जो है लाइटिंग की गई है यहाँ पर। और दोस्तों देख सकते हैं ट्रॉली के लिए कल्टीवेटर फंसाने के लिए, मतलब बहुत ही बढ़िया सही जो है तरीके से बनाया गया है, बहुत ही पावरफुल बनाया गया है, ताकि हर इक्विपमेंट जो है आसानी से जो है इसमें फिट हो जाएं और किसान भाई जो अपना जो कार है वो अच्छे से कर पाएँ। दोस्तों इसमें जो है ये वाली 405 DI में जो है इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर, ब्रेक लाइट मिल जाता है, उसमें भी इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर, ब्रेक लाइट मिल जाता है, साथ ही दोस्तों इसमें छोटी लाइट की लाइटिंग है, उसमें जो है बड़ी लाइटिंग है। और दोस्तों इसमें जो है रिफ्लेक्टर मिल जाता है, पानी बॉटल होल्डर नहीं मिलता है। और 13x28 इसके भी टायर हैं, और 6x16 के इसके भी टायर हैं, इंचेस हैं दोस्तों फ्रंट में। अगर दोनों को में कोई अंतर नहीं है, टू व्हील ड्राइव ये भी है। इसके पीटीओ की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पीटीओ जो है 6 स्प्लाइन 35.5, मतलब 3 HP जो है इसका पीटीओ जो है अधिक है 405 DI का 275 DI SP प्लस की कंपैरिजन में। इसमें भी दोस्तों 6 स्प्लाइन 35.5 HP है, 540 RPM में पावर जनरेट करता है। कल्टीवेटर हो गया, थ्रेसर का हो गया, ट्रॉली का हो गया दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप जो है फंसा सकते हैं, अपने किसान भाई जो है बहुत ही अच्छे से अपने यूज में ला सकते हैं। ये जो है 39 HP का है दोस्तों, इसलिए इसका पावर जो है काफ़ी हाई हो जाता है 275 DI SP प्लस की तुलना में। 405 DI का दोस्तों ये काफ़ी जो है पावरफुल है, होता है 275 के DI SP की तुलना में। 405 DI यूवोटेक सीरीज में ये है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे जो है जरूरी चीज़, बहुत ही लो मेंटेनेंस है दोनों में, चाहे वो यूवोटेक प्लस 405 DI हो या फिर 275 DI SP प्लस हो, दोनों में जो है माइलेज जो है सेम ही है, लो मेंटेनेंस है, मतलब बहुत ही पावरफुल ट्रैक्टर है दोनों ही महिंद्रा, 275 DI SP प्लस हो या फिर यूवोटेक प्लस 405 DI हो। महिंद्रा यूवोटेक प्लस 405 DI का प्राइस जो है ज़्यादा होता है, दोनों में 50,000 की प्राइस का अंतर है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है
39 HP जो है इंजन है और इसमें जो है 37 HP है, मतलब दोनों में ये मोटा मोटा अंतर है, इसलिए जो है मोटा मोटा प्राइस का भी अंतर है दोस्तों। प्राइस जो है 50,000 का अंतर है। ये जो है 6.5 लाख से 7 लाख के रेंज में इसकी प्राइस होती है महिंद्रा यूवो टेक प्लस 405 DI का। वहीं दोस्तों इसकी प्राइस जो है 6 लाख रुपए से लेकर के 6.5 लाख रुपए तक की रेंज में इसकी प्राइस होती है महिंद्रा 275 DI SP प्लस का। तो दोस्तों हमने इसके फीचर्स का, प्राइस की, माइलेज का, परफॉर्मेंस का बहुत ही विस्तार में डिस्कस कर लिया है, कंपैरिजन कर लिया है कि क्या अंतर है यूवो टेक प्लस 405 DI में, वहीं 275 DI SP प्लस में। आई होप यू गाइस वेरी एंजॉइंग इन दिस वीडियो। आज आपने यह महा कंपैरिजन वीडियो देखा है और बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा दोनों ट्रैक्टर के बारे में। आई होप यू गाइस वेरी एंजॉइंग। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं और ये वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।